नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। अनेक मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं और उनके जवाब के साथ साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपकी स्वर योग साधना क्यों सिद्ध नहीं हो रही है, उसमें बाधाएं क्या आ रही हैं। अनेक मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हठ योग की हम साधना करते हैं ना, हठ योगी जैसे होता है, हठ योगी का जीवन, हठ योगी की बुद्धि, उस विधि से आप स्वर योग को साधना चाह रहे हैं। बहुत ही आधारभूत गलती हो गई है। तो पहले आप समझ लें कि हठ योग क्या है। ह ठ, ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र का योग हठ योग। तो आप कहेंगे कि स्वर योग भी तो यही है, स्वर विज्ञान भी तो यही है, सूर्य और चंद्र। लेकिन हठ योग बहुत बेसिक अभ्यास है और स्वर योग थोड़ा उसके बाद का अभ्यास है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, आसन प्राणायाम है ना, यम नियम आसन प्राणायाम। पहले आसन आता है तीसरी स्टेज पे, उसके बाद प्राणायाम और फिर अंत में समाधि। तो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि पहले व्यक्ति एक आसन का अभ्यास करेगा और फिर वो प्राणायाम तक पहुंचेगा। तो जब हम एक आसन का अभ्यास करते हैं तो हठ योग में कैसे हम अभ्यास करते हैं, एक आसन आप कर रहे हैं, आपका शरीर अभी लचीला नहीं है, शायद कहीं दर्द हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करते हैं उसको रोकने की, करते हैं ना, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, फिर भी उसको रोकेंगे, एक बार नहीं अनेक बार, दोबारा दोबारा बार बार करेंगे। यह हठ योग है। एक बच्चा माँ के साथ बाजार जाता है, वो देखता है आइसक्रीम, माँ कहती है नहीं तेरा गला खराब हो जाएगा, बच्चा जिद करता है, हठ करता है, नहीं मुझे तो आइसक्रीम खानी है। ऐसे ही आप जब योग अभ्यास करते हैं तो हठ करते हैं, नहीं मैंने तो आसन करके ही रहना है, मैंने तो इस क्रिया को सिद्ध करके ही रहना है। लेकिन यह शैली, यह विधि स्वरयोग में लागू नहीं होती, इसको तो करके ही रहना है मैंने। मेरी जो फेवरेट, मेरी जो सबसे पसंद आने वाली विधा है जो, उसको बता दे दूं मैं। जब कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार, इसके लिए तो देखो हठ योग, मैंने बोला ना पहले हठ योग को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हठ योग को जब आपने सिद्ध कर लिया तो स्वर योग स्वयं ही भीतर आ जाएगा। जैसे अक्षर आपने पढ़ लिए, एबीसी का ख का पूरा पढ़ लिया, तो शब्द बनाने और वाक्य बनाने स्वतः ही आ जाएंगे ना बाद में। ऐसे ही जब आप हठ योग को सिद्ध कर लेंगे, आपका शरीर, हठ योग का मतलब क्या है सिद्ध करने का, ये भी समझ लें कि आपका शरीर स्वस्थ है, शक्तिशाली है, बलवान है, श्वास प्रश्वास बहुत स्मूथ चल रही है, आप एक आसन में बैठ सकते हैं आधा घंटा, 45 मिनट, एक घंटा, इतनी क्षमता शरीर की हो गई है, शरीर में शक्ति है। जब शरीर इतना शक्तिशाली हो जाएगा तभी तो वो स्वर को ग्रहण करने के योग्य होगा ना। अभी तक क्या हो रहा है कि मैं आपको लाभ बताता हूं, कुछ लाभ बताता हूं तो आप उसको बहुत पसंद करते हैं कि हाँ ये लाभ हमें चाहिए तो चलो इसको कर लेते हैं, ये लाभ चाहिए तो इस स्वर का पालन कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपका शरीर सक्षम नहीं है तब तक वो नेचुरली नहीं आएंगे, इस बात को समझें। अभी तो क्या है, इंस्टेंट है थोड़ा वो, तो जैसे इमरजेंसी में होता है, इमरजेंसी की दवाइयां होती हैं, तुरंत लाभ मिल जाता है। लेकिन जब आयुर्वेद की दवाई को आप फॉलो करते हैं तो स्लो है वो, स्लो है ना, उसका प्रभाव स्लो है, धीरे 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 उसका आपको लाभ होगा, लेकिन वो बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। इंस्टेंट नहीं है वो, जल्दीबाजी में नहीं किया गया वो उपचार है। ऐसे ही जब आप हठ योग का अभ्यास धीरे 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 करते हैं तो स्वर योग आपके जीवन में, आपके जीवनचर्या में समाहित हो जाता है। आपको चाहे पता भी ना हो कि आज कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है, लेकिन उसके अनुसार ही आपके स्वर चलते होंगे। ऐसी एक स्थिति आ जाएगी, जैसे ज्वार भाटा आता है ना, तो मछलियां बाहर आ जाती हैं, समुद्र से बाहर आ जाती है, मतलब पानी के बाहर नहीं आ जाती हैं, तट के नजदीक आ जाती हैं।
तो उनको पता कैसे चलता है? अच्छा, चांद दिख जाता है तो उससे पता चल जाती है, अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात का पता चल जाता है, तो उससे ही ज्वारभाटा आता है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे भी परीक्षण किए कि मछलियों को अंदर एक ऐसे तालाब में बंद कर दिया जहां पे चांद के कोई लक्षण नहीं थे, चांद के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन तब भी मछलियों ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि वो बाहर समुद्र में करती थी खुले में। तो उनके स्वभाव में आ गया था वो चंद्र की क्रिया। इसको समझे, जैसे मछलियों ने, समुद्री जीवों ने चंद्र की स्थिति को अपने जीवन में ले आए और उसके साथ ही अनुसार ही वो बिहेव करते हैं, चाहे चंद्र के दर्शन हो या ना हो। ऐसे ही जब एक आपके जीवन में हठयोग के अभ्यास के बाद जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, थोड़े अभ्यासी हो जाएंगे, तो स्वर योग आपके जीवन में आ जाएगा। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। एक और बात है कि हमारी एक श्रोता है, उन्होंने प्रश्न किया है, वो जयपुर से हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने एक बात कही मुझे, लिखी मुझे कि ऐसे लगता है कि जीवन व्यर्थ हो गया, इतनी उम्र हो गई कुछ भी अचीव नहीं किया, शादी हुई और फिर पति से अलग हो गई, बच्चे भी नहीं देख पाई 8-9 साल से। मेरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन एक और बात मैं आपको याद दिलवा दूं, आप देखिए श्वास चलती है कि नहीं चलती, अपनी श्वास चेक करो। जीवन में कभी भी निराशा हो किसी भी बात को लेके, तो इसको आप इस परीक्षण को करो, श्वास खींचो और छोड़ो 2-3 बार, श्वास चल रही है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप जीवित हो। अब कोई भी काम होता है ना, उसका एक कारण होता है, आप बिना किसी कारण के तो जीवित नहीं हो ना। जब तक श्वास है तब तक आस है, अभी भी आशा है क्योंकि आपकी श्वास चल रही है। जिनकी आशा समाप्त हो गई थी वो लोग तो आज का सूर्योदय देख नहीं पाए, नहीं देख पाए ना, लेकिन आप आज भी सूर्योदय देख पा रहे हैं, भोजन का आनंद ले पा रहे हैं, जल को ग्रहण कर पा रहे हैं, यह परमात्मा का आशीर्वाद है। इसको समझें और हर श्वास में उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करें। आप नहीं जानते किस दिशा में, किस क्षण में आपके जीवन का लक्ष्य प्रकट होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन हमने करना क्या है कि हमने कभी हार नहीं माननी, कभी भी हार नहीं माननी। जैसे एक बच्चा होता है ना स्कूल में कि अरे इस टेस्ट में तो नंबर खराब आ गए, अब तो सारा साल खराब हो गया, तो आप कैसे समझाओगे उस बच्चे को, अरे एक टेस्ट ही तो है, एक एग्जाम ही तो है, एक पेपर ही तो है, इसका पूरे साल से या जीवन से क्या लेना देना। अगर जीवन के 1-2 एक्सपेरिमेंट खराब हो गए तो क्या लेना देना इसका जीवन की सफलता और असफलता से। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ना, नहीं चलता, खराब हो जाता है, पैसा सारा बर्बाद हो जाता है, एक्सपेरिमेंट था एक। कोई व्यक्ति शादी करता है, एक्सपेरिमेंट था परिवार बनाने का, समाज में रहने का, वो नहीं हुआ सफल, उससे जीवन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जीवन तो अभी, जीवन में स्पेस है ना, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का स्पेस है। तो आप आशावान रहें, बस हार नहीं माननी, ऐसी अपनी भावना मन में बनाकर रखें। और इसी नेगेटिविटी से जुड़ी एक और बात कि हमारे श्रोता हैं राजन जी, वो देश की राजधानी दिल्ली से हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनकी माता जी अस्वस्थ हैं, तो वो बहुत चिंतित थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि आपके स्वर जो चल रहे हैं ना, अब देखो जब नेगेटिविटी आती है तो ऐसे आपको घेर लेती है, उनको लगा कि मेरा स्वर ठीक नहीं चल रहा तो मेरी माँ को कुछ स्वास्थ्य में उससे परेशानी ना हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो इतनी अस्वस्थ हैं, वो बिस्तर पे हैं, जैसे किसी के लिए भी है ये, मैंने बहुत लोगों, जो अस्पताल में भी मैं गया हूँ अनेक लोगों से मिलने, उनको मैंने क्या बताया है कि हर आधे घंटे बाद आप करवट बदलते रहें,
करवट बदल दें, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होते रहें। इससे जो स्वर परिवर्तन होगा ना करवट बदलने से ही, वो जो आप दवाई ले रहे हैं शायद उससे ज्यादा लाभ हो जाएगा। और आप की जो साधना है उसका संबंध आपसे है, आपकी साधना का संबंध किसी और दूसरे व्यक्ति से नहीं है, तो इस बात की आप ज्यादा चिंता ना लें और आशावान रहें हमेशा। सबसे बड़ी आशा है, सब बहनों में सबसे बड़ी आशा है। यह कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।